सीहोर जिले के आष्टा की ग्राम पंचायत भवरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के साथ देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र से सांसद महेंद्र सोलंकी ने शिरकत की। इस दौरान जीतू पटवारी द्वारा की गई निगम कर्मचारियों से अभद्रता के मामले में सांसद ने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को नसीहत दे डाली। सांसद महेंद्र सोलंकी ने जीतू पटवारी को नसीहत देते हुए कहा कि मैं जीतू पटवारी के दर्द को समझ सकता हूं। उन्हें सत्ता में रहने की आदत पड़ गई है। सत्ता जाने के बाद जिस तरह से पानी में से निकलकर मछली तड़पती है, उसी तरह से वो तड़प रहे हैं। मगर उनसे निवेदन करता हूं कि अपने व्यवहार को ठीक रखें। कर्मचारी पूरी मेहनत से जी जान से कार्य करते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। देखिए, मुझे उस घटना की कोई जानकारी नहीं है, मगर मैं आदरणीय जीतू पटवारी जी से कहना चाहूँगा कि मैं उनके दर्द को समझ सकता हूँ। उन्हें सत्ता में रहने की आदत पड़ गई है। सत्ता जाने के बाद वो पानी में से जिस प्रकार से मछली निकलकर तड़पती है, उसी तरह से वो तड़प रहे हैं। मगर मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपने व्यवहार को ठीक रखें। कर्मचारी पूरी जी जान से पूरी मेहनत से कार्य करते हैं, हमें उनको उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए, उनकी सराहना करना चाहिए। उसके स्थान पर यदि आप इस प्रकार से गाली गलौज करेंगे तो निश्चित रूप से कर्मचारी निराश होगा और इससे प्रशासनिक तंत्र भी कमज़ोर होगा। आपकी जो पीड़ा है वो पीड़ा हम समझ सकते हैं, और मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी की पीड़ा को मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। सीहोर से मोहम्मद अहद सिद्दीकी की रिपोर्ट।